हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। मीनाक्षी मीनाक्षी, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कहीं आप नहीं खोएंगी, क्योंकि नेविगेशन का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको खोने के रास्ता भटकने का डर नहीं रहेगा, और आपका जो मैप है आपको मंजिल तक सही सलीके से पहुंचा देगा। कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ रास्ता बंद है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ सावधान रहना है, सब कुछ आसानी से आपको पता चलेगा। बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर आप सोचिए नेविगेशन मैप की तरह कि काश कोई ऐसा ऐप होता जो वक्त से पहले ही बीमारियों के बारे में आपको नेविगेट कर देता, आपको बता देता कि कब कौन सी बीमारी का खतरा बढ़ेगा, किस उम्र में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी। एक ऐसा ऐप जो सेहत के सफर को भी सुहाना बनाए रखता, हर किसी की जिंदगी में सुकून की मंजिल तक हमें पहुंचाता। मीनाक्षी, फिर तो बीमारी से पहले ही उससे लड़ने के तरीके हम खोज लेते, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल स्टेबल नहीं रहता। जैसे जैसे वो ऊपर नीचे होता है, वैसे वैसे बीमारियों के खतरे कम और ज्यादा होते रहते हैं। बिल्कुल, अब डायबिटीज को ही ले लीजिए। शुगर पर भारत में हुई सबसे बड़ी रिसर्च में बात निकलकर सामने आई है कि ये बीमारी उम्र देखकर हमला नहीं कर रही। एज कम हो या ज्यादा, डायबिटीज शरीर में एंट्री के रास्ते ढूंढ ही लेती है। जिस रिसर्च की हुसैन बात कर रहे हैं उसके मुताबिक भारत में अगर शुगर पेशेंट्स की हिस्ट्री है तो 35 साल से कम उम्र में इस बीमारी के होने का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। वहीं 30 से कम उम्र में 32%, तो फिर 25 की उम्र में ये खतरा 27% तक बढ़ जाता है। और यंग एज में ही ग्लूकोज हाई होने से खतरे को देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स 18 साल की उम्र से ही शुगर टेस्ट करवाने की सलाह भी दे रहे हैं। और आपको बताएं कि सैंपल साइज के लिहाज से देश में ये अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है। इसमें 18 साल से लेकर 80 साल तक के करीब 2,26,000 लोगों को शामिल किया गया है। रिसर्च में चौंकाने वाली बात यह भी है कि लो रिस्क फैमिली में महिलाओं को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। ठीक बात है, चलिए ऐप जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले टेस्ट के साथ ट्रीटमेंट के अमल को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं और सेहतमंद रहते हैं। और अब स्वामी जी हमें नजर आ रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत प्रणाम है आपका। स्वामी प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। अब ये मीठी मीठी लीचियों की तरफ सबकी निगाहें रहती है। मीठे मीठे आम अब यहां भी पकने वाले हैं थोड़े दिनों में। अभी मीठी मीठी लीचियां सच में बहुत मीठी हो गई है, और ये 100% ऑर्गेनिक भी है। अब मेरे दाएं बाएं वाले बच्चे तो खा सकते हैं। अभी कृष्णपाल जो है, बेटे ले तेरे को खिलाता हूँ अभी, आज तो गणे दिनों से जो है पूरी रसदार लीची है एकदम। हाँ, क्योंकि अब इसने तो अपना गुठली निकाल ले, कोई गुठली निकलनी नहीं। और कितना था शुगर पहले? 20 था। 20 इंसुलिन था। शुगर कितना रहता था? 400 के ऊपर रहता था। 400 के ऊपर शुगर और 20 यूनिट लगाना पड़ता था। कितने साल से था? 6 साल से था। और उम्र कितनी थी? अभी 13 साल की। 13 साल की उम्र और 6 साल पहले शुगर हो गया था। और अब इंसुलिन कितना है? अब इंसुलिन 0 यूनिट लगा। 0 यूनिट पर आ गया भाई। जोरदार अभिनंदन है, जोरदार काम कर लिया भाई। ये तो कृपाल पर तो कृपा हो गई पूरी। और आपका कितना है बाबू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिया हिमानी है। जिया हिमानी, yes. कितना था आपका पहले इंसुलिन? पहले मैं लेती थी 28, अभी मेरा यहाँ आकर 4 हो गया है। लो, 28 से 4 पर आ गया। अभी 4 भी चला जाएगा। जिया जी, आपको कब से है शुगर? मेरे को 1 साल से। इसको 1 साल से। और आपको कब से बाबू? जो है जिया को 1 साल से। और यशिका, क्या नाम? यशिका। आपको कब से? 2 साल से। 2 साल से। आपका कितना आ गया? कितना था पहले? पहले 30 यूनिट्स थे। 30 यूनिट्स से अब कितना आ गया? 12। चलो आओ, करो मंडूकासन, करो मंडूकासन और योग मुद्रासन। देख करके, आज पूरे आसन करके बड़ी तकलीफ होती है। बच्चे तो 10-12 आसन पूरे कर लेते कि ये छोटे छोटे बच्चे शुगर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपने इनको डायबिटिक से नॉन डायबिटिक की राह पर आप ले आए हैं, और बहुत जल्द इनको नॉन डायबिटिक आप कर देंगे। बहरहाल स्वामी जी, देखिए 18 साल से 80 साल के करीब 2.5 लाख लोगों पर
डायबिटीज को लेकर के देश की सबसे बड़ी स्टडी हुई, जिसके मुताबिक फैमिली हिस्ट्री होने पर 35 की उम्र से पहले ही 41% लोगों को इस बीमारी का खतरा है। वैसे पूरी दुनिया में फिलहाल 50 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में स्वामी जी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तो यौगिक जॉगिंग स्ट्रेचिंग ये सारे अभ्यास के साथ साथ वो तमाम तरीके भी बताइए कि इस बला से दूर ही ना रहा जाए बल्कि ये करीब ही ना आए कभी। देखो डायबिटीज से हमको लोगों को बचाना भी है, लोगों को डायबिटीज हो ही नहीं, तो ये मंडूकासन योग मुद्रासन इसमें देखो योगिक जॉगिंग स्ट्रेचिंग सूर्य नमस्कार वो सब हम करेंगे अभी, लेकिन ये दो मूल मंत्र हैं, एक मंडूकासन या योग मुद्रासन और दूसरा पवन मुक्तासन करो। चलो जाओ अपने अपने स्थान पर जाओ और जिया के लिए यशिका के लिए और कृपाल के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये तो पूरा जिया और यशिता और सारे बच्चे बहुत जल्द शुगर से आजाद हों और सेहतमंद जिंदगी जिए, यही हमारी भी दुआ है स्वामी जी। और देखो ये एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अब दो आसन पवन मुक्त आसन 10 से 20 मिनट और उत्तान पादासन इजी है, ये तो बच्चे आप लोग यही करो। हाँ फिर योगिक जॉगिंग भी करा देते मेरे साथ, बड़ों में भी मनोज मित्तल जी हैं, सुकर्म पाल जी हैं, अब इन्होंने भी ये डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए। मैंने पूछा कृपाल जो बालक अभी इंसुलिन फ्री हो गया है, मैंने कहा बेटा हुई कैसे थी, ऐसे जिया से पूछा, बोले बुखार की दवा खाई थी उसके बाद हो गई। इसने अस्थमा के लिए क्या खाया था भाई मित्तल जी, अस्थमा के लिए? हाँ। माइक में बोलो। अस्थमा में मुझे डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दिए थे। हाँ। उसके बाद मुझे डायबिटीज हो गई। और अब क्या हाल है? अब एकदम नॉर्मल है और मैं वही प्राणायाम करता हूँ। और कोई एलोपैथी की दवाई नहीं? नहीं नहीं नहीं। और अस्थमा? अस्थमा एकदम गायब है। अस्थमा दमा भी ठीक हो गया, फेफड़ा तो अच्छा हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राणायाम से योगा रेगुलर से? रेगुलर करता हूँ इंडिया टीवी देख के। और क्या बात है, एकदम आनंद है। इंडिया टीवी का शुक्रिया उधर देना। सुकर्म पाल जी योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार जी। प्रणाम स्वामी जी। आपको कब से था शुगर? मेरे को अप्रैल 2014 से। ओहो 2014 से? 2014 से। अब उसकी अब 106 आ रहा है। 106 एकदम नॉर्मल। और एलोपैथी की दवा? एलोपैथी की दवा मैंने जो है कट कर दिया पूरी की पूरी। पूरी की पूरी कट कर दी। और स्वामी जी लास्ट डे जब डिस्चार्ज जाऊंगा तो गंगा जी में प्रवाह करके जाऊंगा। हाँ ये गंगा जी, अब गंगा नहाने आते हैं ना लोग, तो ये गंगा जी में बापू से मुक्ति तो सुनी थी, अब रोगों से भी मुक्ति हो रही है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद सुकर्म पाल जी। तो देखो छोटे और बड़ों की किसी भी उम्र में शुगर हो, कितने पुरानी हो, मैंने लोगों की 40-50 साल पुरानी भी शुगर ठीक की है, तो जिनसे बन पाए थोड़ा सा ये अभ्यास भी कर लें, स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी इससे, योगिक जॉगिंग के सूर्य नमस्कार के भी अभ्यास कराएंगे। बच्चे तो बड़े मजे से करते ही हैं। और शुगर उन लोगों को छू भी नहीं पाएगी जो लोग रोजाना सुबह पसीना बहा लेंगे इंडिया टीवी देखते देखते स्वामी जी के साथ साथ, ये भी एक बड़ा अहम पहलू है। स्वामी जी देखिए जो स्टडी हुई उसमें एक और बात बहुत गौर करने वाली देखी गई कि जिन परिवारों में डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, जिन परिवारों में नहीं थी वहां महिलाएं डायबिटीज की गिरफ्त में ज्यादा आई। पावर योगा का एक पूरा सेशन करवाते करवाते जरा इसकी वजह समझाइए कि हिस्ट्री के बगैर महिलाओं पर ज्यादा खतरा क्यों है डायबिटीज का, मिस्ट्री आज सॉल्व कर दीजिए स्वामी जी। महिलाएं दरअसल क्या है, संवेदनशील होती हैं और महिलाओं की वो संवेदनशीलता उनके पेनक्रियाज में भी होती है, उनके लीवर पर, थायराइड पर, हार्ट पर भी होती है। इसलिए देखा होगा आपने आजकल लीवर की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, तो महिलाओं की नाजुक प्रकृति होने की वजह से उनके पेनक्रियाज के ऊपर ये ज़्यादा असर करते हैं, स्ट्रेस और बाकी पोल्यूशन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महिलाओं की संवेदनशीलता उनके रोग का कारण न बने, इसलिए महिलाओं को दृढ़ रहना है, मजबूत इरादे का रहना है। अब मजबूत इरादे वाली महिलाएं हमारे यहाँ पर लक्ष्मीबाई से लेकर के चेन्नम्मा से लेकर के प्राचीन काल की भी वीरांगनाओं का इतिहास हम पढ़ते रहते हैं और
ताड़ासन तिरक ताड़ासन भी कर लो। आज के युग में भी श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के राजनीति से लेकर के कल्पना चावला से लेकर के आसमान में उड़ान भरने वाले एथलीट्स में देख लो, उषा पीटी उषा से लेकर के आज भी हर क्षेत्र में, अब तो अरे एंकरिंग में मैं देखो, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में, मीडिया में, कृषि में, उद्योग में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, अब तो सब जगह महिलाएं अब मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो महिलाओं को संवेदनशीलता, वाणी व्यवहार के स्तर पर प्रेम करुणा वात्सल्य तो रखना है, क्रूरता नहीं रखनी, शूरता रखनी है, लेकिन दृढ़ता और उदारता दोनों को साथ साथ में जीना है। ये दो बड़े तत्व है जीवन के मेरे भाई हुसैन जी, दृढ़ता स्वयं में, स्वधर्म में, स्वकर्म में, और शुगर को भी स्वामी जी जो दायित्व के प्रति 100% दृढ़ता और फिर उदारता। बिल्कुल ठीक है, शुगर को ये भेदभाव भी खत्म करना चाहिए कि वो महिलाओं को ज्यादा शिकार बना रही है, गलत बात है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, एक और बड़ी अहम बात है, देश में 50% लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है कि उनको शुगर है, उन्हें डायबिटीज है। और जब तक पता चल पाता है, उनमें से बहुत सारे लोग जब इलाज करवाते हैं तब तक बात काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी होती है। तो अगर शुगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो 100 में से सिर्फ 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनका ग्लूकोज का जो लेवल है वो बैलेंस रहता है। तो ऐसे में स्वामी जी, अब योग के ज़रिए शुगर कंट्रोल के तमाम तरीके भी आप बता ही रहे हैं, साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप ये भी समझाइए कि लोग कैसे शुरुआत में ही ये समझें कि वो शुगर की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि पहले ही रोक लिया जाए खुद को। तो देखो, पावर योगा का एक सेशन तो ये हमारी बेटियों की तरह बड़ी मजबूत हो गई है भाई। चलो बेटियों ऐसे करो, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, ये तो सबको करना है भुजंगासन, तो फिर मेरे साथ जो दंड लगा सकेंगे उनको दंड भी कराएंगे। तो डायबिटीज और शुगर का बढ़ना कोई खतरा नहीं है, शुगर से जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, कंधे कमर जाम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है, थकान आती है, अंदर से कमजोरी आती है, ये खतरनाक है। तो जो योग करेंगे और आयुर्वेद का उपयोग करेंगे, खीरा करेला टमाटर का जूस, उसमें आंवला एलोवेरा गिलोई सदाबहार चिरायता कुटकी गुड़ुमार विजयसार मेथी का पानी अंकुरित मेथी, ये सब हम बताते हैं। और जो है बच्चे तो कर लेंगे, ऐसे बड़ों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो बच्चे भी करें धीरे धीरे, बड़े भी करें ऐसे। ये कोशिश तो कर रहे हैं हमारे बच्चे लगे हुए, करो दिया यूं करो बाबू ऐसे, यशिका जी कृपाल जी भी लगे हुए ऐसे, एक पैर आ गया झुके फिर उठे, कोशिश करने करते करते हो ही जाएगा एक दिन। कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे भी, और फिर ऐसे भी, और फिर एक दिन ये भी आएगा जब ऐसे चक्रदंड भी हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, तब तक ऐसे ही कर ले। चलो ये तो अच्छे से हो जाता है ना, नीचे गए वापस आए, हाँ करो, ये अच्छे बच्चे हैं, बच्चे बात जल्दी मान लेते हैं, बड़ों की है समस्या, तो करो वैसे, ये पसीना आ गया ना, फिर वापस अब डायबिटीज का पैकेज शुरू। तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ हम ठीक करते हैं योग आयुर्वेद में, ये बड़ी बात है, ये गलत फहमी है, मिथ है, भ्रांति है, लोगों के भीतर संशय के बीज डाल दिए कि एक बार शुगर हो गई, चाहे फैमिली हिस्ट्री से हो, जेनेटिक हो, चाहे वो स्टीराइड आदि के कारण से ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यहाँ तक कि छोटे बच्चे तो बुखार की भी दवा खाते हैं, ऐसे हाथ लगाओ ऐसे लगाओ, बुखार की दवा, टाइफाइड की दवा, उससे भी शुगर हो गया। जब बार बार पेशाब आए, बहुत प्यास लगे,
थोड़ी कमजोरी सी लगे, बार बार प्यास लगे, ज्यादा प्यास लगे। प्यास तो सभी को लगती है लेकिन ज्यादा प्यास लगे। मुताई तो सभी को लगती है लेकिन ज्यादा यूरिन आए। तो और थोड़ी कमजोरी सी है, कभी कभी तो चक्कर जैसे भी आने लगते हैं, बहुत लो या बहुत हाई होने पर भी। ये समस्याएं बड़ी खतरनाक होती हैं। वैसे भी बच्चों का और बड़ों को भी, 4-5 साल में छोटे बच्चों का तो वैसे तो जो थोड़े जागरूक हो गए हैं, शुगर टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, 10 रुपए की एक स्ट्रिप आती है उसमें हो जाता है ग्लूकोमीटर से। तो शुगर सभी को एक बार तो साल में चेक करवा लो, ऐसे ही चेक करवा लो। आजकल तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा अनहेल्दी फूड है, इतना पोल्यूशन है, और हम ऐसी सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक दवाइयाँ ये सब खाते रहते हैं। मंडूकासन योग मुद्रासन 10 मिनट तक करना है कपालभाति के साथ, तो पता लग जाएगा कि शुगर है। तो शुगर का पता लगने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, पता लग गया फिर भी उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, ठीक है हो गई, ठीक हो जाएगी। ऐसे नहीं, प्रॉपर योगाभ्यास, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और उसको शुगर को मेंटेन करने के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। थोड़े दिनों तक डेयरी प्रोडक्ट बंद, केवल ऊँटनी का दूध अलाउ है, बाकी कोई डेयरी प्रोडक्ट नहीं। सुन रहे हो ना बच्चों, कृपाल जिया यशिका, थोड़े दिन बंद करना, बाद में ठीक होने के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू करवा देंगे। टोटल डेयरी प्रोडक्ट्स बंद, दूध दही छाछ घी मीठा चीनी बंद। थोड़ा कभी इच्छा हो तो फ्रूट्स खा सकते हैं ना, लीची जैसे मैंने एक दो लीची खिलाई, एक दो लीची खा सकते हैं, आधा आम भी खा सकते हैं, एक केला खा सकते हैं, एक सेब खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फिर मतलब ऐसा खाया कि 1 किलो ही रगड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा खाया करें। चीनी 1 चम्मच भी, 1 दाना भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चीनी 1 भी दाना नहीं जाना चाहिए। जब मीठा खाने की इच्छा हो तो क्या खाना, थोड़ा सा फ्रूट खाना है ना, और जूस कभी नहीं पीना, जूस तो बड़ा खतरनाक है। और जो है बाकी जितने भी पैक्ड फूड हैं उनमें शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो जा करके आपके पेनक्रियाज को ध्वस्त कर देते हैं, ध्वंस मचा देते हैं, डिजास्टर है वो। ऐसे ये अर्धमत्स्येन्द्रासन या वक्रासन, ऐसे ये करना चाहिए ऐसे ऐसे ये, और फिर गोमुखासन। तो आज पूरा पैकेज बता रहे हैं इन बातों के साथ कि हमें किन चीजों का ख्याल रखना है। स्वामी जी, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए ब्लड शुगर लेवल और थोड़ा काली मां लिए हुए इसका सेवन करना चाहिए। जी मेरी बहन मीनाक्षी, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, ब्लड शुगर को लेवल को मेंटेन करने के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये जो फैक्टर है, ये डायबिटीज़ का इसमें रोल क्या है, इसे थोड़ा आप समझाएं। क्योंकि रिवर्सल प्रोग्राम कई लोग जब ये करने लगते हैं कि उनकी डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाए, तो बॉडी सेल्स ऑर्गन इंसुलिन को लेकर प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाते, इंसुलिन यूज़ नहीं हो पा रहा है और इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाता है। अब हाँ, ये 3 बातें हैं। एक तो पेनक्रियाज के सेल और उन बीटा सेल्स के साथ टोटलिटी में पेनक्रियाज पूरा ऑर्गन, इसके एक्टिवेशन में मैं देखता हूँ 1 से 2 सप्ताह, और जिनको बहुत पुरानी डायबिटीज है, 5, 10, 20, 30 साल पुरानी, उसको 2 माह लगते अधिकतम। कितना, 1-2 सप्ताह से अधिकतम 1-2 माह। इतनी प्रतीक्षा तो कर ही सकती, जिंदगी पड़ी है अभी 50, 60, 70, 100 साल जीना है। मैंने जिनकी उम्र 50 साल की होगी उनको और 50 साल जीना है, और जिनकी उम्र ही अभी ऐसे 10-15 साल की उनको तो 70-80 साल जीना है बच्चों। तो 1-2 सप्ताह या 1-2 माह तो बड़ा कालखंड नहीं है ना, 1-2 सप्ताह 1-2 माह में पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी बात, बॉडी के जो सेल्स हैं उनके रिसेप्टर्स कमजोर पड़ जाते हैं। एक एक सेल का एक रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर कुछ वो संवेदनशील ऐसे परमात्मा ने एक वो लगा रखे हैं, सूचना तंत्र को अंदर देने वाले रिसेप्टर्स, और उसके अंदर एक ब्रेन होता है, एक उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो सेल्स के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस और उसकी माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों अच्छे रहने चाहिए। पेनक्रियाज अच्छा रहना चाहिए, एक एक सेल के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस और उसका माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा होना चाहिए। तो टोटलिटी में जब प्राणायाम करते हैं,
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, वो तो अलग से। अब कपालभाति तो और भस्त्रिका तो आसनों के साथ ही हो जाता है, अनुलोम विलोम अलग से कर लेते हैं। तो पेनक्रियाज, उसके बीटा सेल्स और उनका रिएक्टिवेशन जरूरी है, जो मैंने कहा एक दो सप्ताह से एक तो वहाँ हो जाएगा। ऐसी एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसका न्यूक्लियस, उसका आरएनए डीएनए प्रोटीन प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, उसका एपोप्टोसिस, उसका एनवरिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, उसका अंदर का हाइजीन सिस्टम जिसको हम ऑटोफेजी माइटोफेजी कहते हैं, ये सब प्रॉपर रहनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमारा पूरा लीवर, पूरी किडनी और नर्वस सिस्टम ये प्रॉपर काम करना चाहिए। ये तीनों चीज़ें एक साथ ठीक हो गई ना, माने पेनक्रियाज, हमारे बॉडी के सारे सेल्स, लीवर किडनी प्रॉपर काम करते रहें, तो फिर वो जो भी अवांछित अनवांटेड चीज़ें होंगी उनको वॉश आउट करते रहेंगे, जो शरीर के लिए ज़रूरी है उन तत्वों से शरीर को पोषण देते रहेंगे। तो ये तीन चीज़ों को ठीक कर लिया हमने, तो फिर ये जो टोटलिटी में शुगर को कंट्रोल करना या शुगर को रिवर्सल करना, शुगर से डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होना, ये संभव है। तो ये अनुलोम विलोम भी ज़रूरी है, तो बीच में ये कर लें। अभी पूरा पैकेज करा देते हैं, चलो पहले पवन मुक्त आसन। तो इसीलिए हम खीरा करेला टमाटर का जूस, उससे पूरा पाचन तंत्र, उससे पूरा लीवर किडनी। खीरा करेला टमाटर में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, अभी हमारा तो अभ्यास हो गया इसलिए एक साथ बोल देते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, एक यहाँ वो इंसुलिन का भी पौधा, उसके भी पत्तों का रस पिला देते हैं। और हम तो करेला, इंद्रायण, नीम के पत्ते, या पहले हमने पैरों पर आँखी के पत्ते बांधने के लिए, अब तो हम ये किसी को करेले से, किसी को इंद्रायण से, किसी को नीम से, किसी को आँखी के पत्ते पर चला देते हैं। मर्दन चिकित्सा बोलते हैं, पाद मर्दन चिकित्सा, फिर एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, इसका बड़ा असर पड़ता है ये पेनक्रियाज एक्टिवेट करने में। तो ये पाद मर्दन, नीचे उसको थोड़ा लुगदी सी बना करके, उसको थोड़ा कूट करके, और उसको पैर के नीचे गाहा देते, गाहना मर्दन कहते हैं उसको, पैरों के नीचे गाहना। करेला, नीम, आखा या इंद्रायण, गरमुंडा बोलते हैं राजस्थान में इंद्रायण, ओहो बड़ा जबरदस्त होता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, और खीरा करेला टमाटर का जूस खाली पेट मधुराशनी खाने के बाद मधुग्रिट और अंदर से पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इम्यूनिटी वीक होती है उसके लिए इम्यूनोग्रिट, ये साथ में प्रयोग करवाते हैं। ये देखो इधर ये रखिए, इम्यूनोग्रिट मधुराशनी मधुग्रिट का प्रयोजन यही है कि ये सब अंदर से इंटरनल हेल्थ को अच्छा करते हैं, आपके जिन कारणों से शुगर होता है उसका निवारण करते हैं। तो और अंदर से कमजोरी ना, इसलिए अश्वगंधा, शिलाजीत का प्रयोग, और जिनका वेट कई बार डाउन चला जाता है खास करके बच्चों का, उनको अश्वगंधा के साथ थोड़ा सतावर भी दे देते हैं, फिर वेट कम होने वाली समस्या, और फिर एक एक कॉम्प्लिकेशंस को भी आगे लेंगे। ये पूरा पैकेज बता दिया, और आँखों पर ब्रेन नर्वस सिस्टम बुरा असर ना आए इसलिए सर्वांगासन हलासन भी जरूरी है। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी, डायबिटीज़। अच्छा स्वामी जी, लोग अक्सर इस बात की तलाश करते हैं कि भाई ये शुगर कैसे हो गया, डायबिटीज़ कैसे हो गई, तो कैसे का जवाब कई बार अलग अलग होता है, लेकिन उसमें से एक जवाब मोटापा भी है। तो मोटापे की वजह से भी कई लोग जो है वो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो स्वामी जी, वेट फिर कम करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ पेट पर फैट, पैनक्रियाज, किडनी, लीवर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो जो पेट पर से फैट है वो भी कम होना चाहिए, और पूरे शरीर पर से फैट कम होना चाहिए। ये तो सब रोगों की जननी है, जैसे संस्कृत को सब भाषाओं की जननी कहते हैं, ऐसे ही ओबेसिटी इज द मदर लैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। तो देखो, ये तो शीर्षासन हमने बता दिया, अब आंखों की भी समस्या किसी को नहीं होगी, और चलो अब पैर खोल लो। अब आप तो मोटे हो नहीं, लेकिन किसी को मोटापा आ जाए, तो पेट मोटा है तो पेनक्रियाज को दबाएगा, इधर ही पेनक्रियाज उसको दबा देते हैं, उसका गड़ा घोट देते हैं। तो
जितने मोटे मोटे भाई बहन हैं वो पेन के इलाज का क्या घोट रहे हैं जया जी? ए जिया, जो मोटे मोटे हैं वो पेन के इलाज का क्या कर रहे हैं? गला घोट रहे हैं। तो जो ऐसे ऐसे करो, हाँ ये जिया जी और यशिका जी मुस्कुरा के करो। जिया जी का तो फेस ही ये मुस्कान वाला है, इसका नाम रखना पड़ेगा जिया मुस्कान। लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। कृपाल जी आप भी मुस्कुराओ, देखो आपको पड़ोस में जिया कितने मुस्कुरा रहे। मुस्कुराने से ना अपने अंदर के 37 ट्रिलियन सेल्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियास सब एकदम हेल्दी रहते हैं। उनको हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये दो अभ्यास। और गोधन अर्क, वेट गो, में दो हार, त्रिफला का प्रयोग, फिर अनाज नमक मीठा कम कर देते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल संकुरित ये ज़्यादा देते हैं। और जिनको ज़्यादा ही वेट कम करना हो तो नारियल के पानी पर, अनानास पर, वाटरमेलन पर उनको रखते हैं। तो एक दिन में एक एक किलो वेट कम कर देते हैं। ये तो बैठ करके और लेट करके, चलो ऐसे लेटो, लेट करके तीन अभ्यास। और वेट तो हमसे कम 100 कोस दूर से ही डरता है। दिल्ली तक के मोटे मोटे लोगों का वेट हमसे भय खाता है, थर्राता है। अरे बाबा आ गया, वेट भागता है दुम दबा करके। अब पैर उठाएगा, नीचे लेकर के आएगा, अब ये गोल गोल सोटा घुमाएगा और मोटापा घुमाएगा, भगाएगा। सोटा घुमाओ, मोटापा भगाओ, ऐसे पूरी गोलाई में। और आज तो हा पीपल के नीचे ऐसी लग रहा, हवा भी अच्छी बह रही है स्वामी जी। हमारे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास मानते, पितरों का, देवताओं का, देवी शक्तियों का वास मानते हैं। पीपल देवता बड़े प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहे हैं आज हमारे ऊपर, ऐसे। और ऐसे किसी को प्रकृति के साथ पीछे कोयल बोल रही है और आसमान में थोड़े थोड़े बादल भी हैं। बड़ी गर्माहट रही 2 दिनों तक दिल्ली में, किसकी सरकार बनेगी। अब जब नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने, सबने समर्थन का पत्र दे दिया, अब लोगों को तसल्ली हुई है, अब एक स्थायी, एक स्थिर सरकार, एक मजबूत सरकार, कोई पॉलिसी पड़ासी से नहीं चलेगा, कोई अफरा तफरी नहीं होगी और जीवन भी ऐसे ही चलना चाहिए। हम पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी की तो बात करते हैं, हेल्थ में भी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे लाइफ में भी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और वो इंटीग्रिटी, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, ये सब हम रोज सुबह सुबह इंडिया टीवी पर बता देते हैं। जी मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, ये वजन कम करने वाले अभ्यास आप करवाते रहिए, लेकिन जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। शुगर की वजह से जो बॉडी में अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अब जरा उन पर भी बात कर लेते हैं। हार्ट हाई ग्लूकोज की वजह से स्वामी जी जो अलग अलग ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, उसे योग सेशन के जरिए जरा ठीक करवाइए। अब बेशक कई सारे योगासन दोबारा आपको करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले किडनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा स्विंग होने से किडनी को बहुत नुकसान होता है, कई बार तो किडनी के डैमेज होने का खतरा भी होता है। तो किडनी के लिए तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन बेस्ट है। साथ में ही सप्ताह में कम से कम एक बार गोखरू का पानी, सप्ताह में एक बार जौ का आटा और जौ का दलिया, ये ले ले। गिलोय गोखरू आंवले का, गोखरू और धनिया, गिलोय गोखरू आंवला धनिया। और किसी के घर में पत्थर चटा हो ना, तो वो सप्ताह में एक बार पत्थर चटा के भी 2-3 पत्ते खा ले। घरेलू उपचारों में सबसे अच्छा होम रेमेडी है जौ खाओ सप्ताह में एक बार, जौ का दलिया, जौ का आटा, और वो तो इतना स्वादिष्ट लगता है, दूध में बना के लो ना तो उसके सामने तो सारे पकवान फीके लगते हैं। और जो है गोखरू सबके घरों में आजकल हमने उपलब्ध करा दिया, गोखरू और धनिया अक्सर छोंक आदि में भी यूज करते हैं, धनिया वैसे ठंडा भी होता है, गोखरू धनिया ये भी किडनी के लिए, और धनिया की चटनी ये भी बहुत अच्छी होती है किडनी के लिए। और पवन मुक्तासन और मंडूकासन, ये मरकटासन तो सभी रोज कर ही लिया करें, मरकटासन और भुजंगासन तो हम हर ही दिन इसलिए करवा देते हैं, इससे फिर 100 साल तक की हमारी आयु अच्छी रहती है। और ये मंडूकासन ये किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है।
किडनी में ज्यादा गड़बड़ी आ जाए तो हम चंद्रप्रभा अगवटी गोक्षर आदि ट्रेडिशनली, और हमने किडनी के लिए रिनोग्रिट, लीवर सदा अच्छा रहे इसलिए लिवोग्रिट, ये तो उसके कंप्लीट इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ के लिए जबरदस्त चीजें हैं रिनोग्रिट। और सप्ताह में एक बार भी कोई पीपल और नीम के पत्तों का रस पी ले और ये पॉइंट दबा ले तो किडनी में गड़बड़ी नहीं आ सकती मेरे भाई। फिर बात कर रहे थे आप हार्ट की, हार्ट पर भी बुरा असर आता है, उसके लिए एक तो ये गोमुखासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जिनसे गोमुखासन भी नहीं होता है ना, तो फिर वो जिनसे गोमुखासन नहीं होता ऐसे, तो वो ऐसे कर ले ऐसे, और फिर ये ऐसे भी अनुलोम विलोम, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस तो बहुत ही अच्छा है ये, इससे बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। अच्छा स्वामी जी, लौकी जो है वो गोल वाली अच्छी है या लंबी वाली अच्छी है? आजकल दोनों बाजार में अवेलेबल है। गोल वाली वैसे ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। दोनों ही अच्छी, कड़वी नहीं होनी चाहिए, गोल और लंबी दोनों ही अच्छी। गोल वाले का कमंडलू भी बन जाता है, तो किसी को जो भी अब भेख धरना हो तो उसमें वो कमंडल का भी काम है। इसलिए हमारे यहाँ दोनों तरह की लौकी अच्छी है, बाकी उसमें दिक्कत कोई नहीं है, दोनों के गुण समान हैं। चलिए ये बड़ा ये जानकारी बहुत जरूरी थी, कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर है, दोनों के गुण समान है। ये रेडीमेड में मनका हृदयामृत अर्जुनारिष्ट। स्वामी जी, दुनिया के तमाम खूबसूरत रंगों को समेटे, तमाम खूबसूरत नजारों को देखने वाली मासूम सी जो आंखें हैं, ये भी डायबिटीज की गिरफ्त में कई बार आ जाती हैं। इनका डायबिटीज का असर आंखों पर भी पड़ता है और इसकी वजह से रेटिनोपैथी की दिक्कत आंखों में होती है। बहुत सारे लोगों को धुंधला नजर आने लगता है, कम उम्र में ग्लूकोमा जैसी बीमारी की शिकायत हो जाती है। तो स्वामी जी, आप लगातार ये बता ही रहे हैं, तो अब जरा, और सर्वांगासन में पहले बता चुका जी, ये डायबिटीज का पॉइंट है, ये आंख का पॉइंट है, आंख के थोड़ा करीब से कहिए, कैमरामैन दिखाए भाई, आइग्रिट जी वटी खाना, दो दो सुबह शाम, और आइग्रिट ड्रॉप डालना, त्रिफला से आंखों को धोना, और महा त्रिफला घृत एक चम्मच सुबह खा लिया, और ऐसे नंगे पैर घास पर चलना, ये घास है ना, चलो बच्चों इस पर चलो, उधर जाओ बाई तरफ बगीचे में घूम के आओ, इधर पीपल है, उधर देखो बड़े कितना, ये कौन सा पेड़ है सामने बच्चों, बड़ का पेड़ है ये सामने जो है, ये जाओ उसके चारों तरफ लंबा घूम के आओ, तो नंगे पैर घास पर चलना, त्राटक करना, त्रिफला से सुबह आईवास करना, सुबह मुंह में पानी भर के आंखों को धोना, आइग्रेट सुबह शाम लेना, आइग्रेट ड्रॉप डालना, अमिग्रेसाइन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम, और जिनको डायबिटीज है उनके लिए वसंत कुसुमा कर भी, जीवन में वसंत ले आता है, उनको यौवन ले आता है, तो ये सब मिला करके 1-2 ग्राम एक एक चम्मच सुबह शाम खा लेते हैं। और आंवले की और एलोवेरा की बस्ती एनिमा दे देते हैं, ये तो आंवला एलोवेरा रखा ना, ये इसी के लिए रखा हुआ है, जामुन का सिरका भी इसी के लिए है, ये सारी चीज़ें हमने जो रखी हुई हैं ये इसके लिए रखे हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस हम बताते हैं, जो घर पे नहीं बना पाते तो रेडीमेड भी हम उपलब्ध कराते हैं, तो आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, 100 साल तक पश्चिम सरदा सतम जीवी में सरदा सतम सब रहेंगे, आंखों में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, पॉल्यूशन बहुत है ना आजकल, डायबिटीज, और फिर ध्यान कम करते, ध्यान क्या करते, एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के तो ध्यान से भी आईसाइट बहुत अच्छी होती है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, डायबिटीज का असर हड्डियों पर भी पड़ता है स्वामी जी, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों को शुगर के अटैक से कैसे बचाया जाए, उसके भी उपाय बता दीजिए। तो एक तो बोन हेल्थ, न्यूट्रिला बोन हेल्थ, और जितने भी मिलेट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने जो एंटी डायबिटिक आटा बनाया है ना, ये एंटी डायबिटिक आटा और ये मेथी आटा, ये इसीलिए बनाया, ये डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है, बाकी काला गेहूं और काला चावल मैं पहले बता चुका हूँ। हड्डियों के लिए सुबह 1 घंटा धूप में बैठे और थोड़ा अपने आटे के अंदर सिंघाड़ा और राजगिरा चौलाई और रागी बाजरा, इन चीज़ों का प्रयोग, एक दिन रागी, एक दिन बाजरा, एक दिन चौलाई, एक दिन सिंघाड़ा, ऐसे खा लिया, इससे हड्डियाँ मजबूत रहेगी। और पहले एक बार डायबिटीज कंट्रोल कर ले, मैंने कहा 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में पेनक्रियाज के डीजनरेट में बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं, बाद में 1 कप दूध
या एक कटोरी दही ये जरूर खाए, इसमें रिच कैल्शियम होता है, तो हड्डियों की दिक्कत नहीं आएगी। सुबह धूप में बैठा करें, जैसे सब बच्चे हमारे धूप में बैठ करके योगाभ्यास कर रहे हैं ना, तो धूप में बैठने से फिर हड्डियाँ कमज़ोर नहीं रहेंगी, इम्यूनिटी भी कमज़ोर नहीं रहेगी, इम्यूनिटी को अच्छा बनाना। चलिए स्वामी जी, हड्डियाँ तक मजबूत हो गई हैं और अब हम अपने सवालों को यहीं रोकते हैं और दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन प्राणायाम का पूरा एक सेशन भी बड़ा ज़रूरी होता है, बीच बीच में आपने प्राणायाम करवाया है, तो प्राणायाम करवाते करवाते आप लोगों के सवालों के जवाब भी दीजिएगा। स्वामी जी, पहला सवाल मुंबई से रत्न प्रजापति का है। बाबा जी प्रणाम, मेरा नाम रतन प्रजापति है, मुंबई से हूँ। मेरे को लंग्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसमें बार बार खून की उल्टी होती है, तो कोई ऐसा आयुर्वेदिक उपाय बताइए जिससे मेरा जड़ से वो इलाज हो सके। बहुत परेशान हूँ बाबा जी, बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। खून की उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। पहले तो हमारे रत्न प्रजापति जी, एक तो योग रत्न पायो जी, मैंने योग रत्न राम रत्न धन पायो, फेफड़ों के लिए भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम बेस्ट हैं। कपाल भाति करो सब बच्चे, हाँ अनुलोम विलोम करो। स्वासारी ब्रोनकोम का इस्तेमाल करें, स्वासारी क्वाथ पी भी लें, थोड़ा दूध में हल्दी सिलाजी और एक एक चम्मच चनप्रास और खाते रहे, फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे। और खून की जो उल्टी होती है, खून की उल्टी रोकने के लिए यज्ञ की भस्म का पानी, पानी के साथ जो है स्फटिका भस्म, कहरवा पिष्टी एक चुटकी भर, और एक होता है नाग केसर, वो भी एक दो ग्राम पानी में घोल के पी लें, खून की उल्टियाँ बंद हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला सवाल पाकिस्तान से आपके लिए आया है, मोतन लाल का। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ये मेरी बेटी है, 3 साल की है, इसको बुखार हो गया, 3 माह हो गए तो, और जो है ना बुखार छूट नहीं रहा है, कृपा करके सावधान बताएं। मलेरिया भी हो गया था स्वामी जी, बुखार जो है ना कई बार लंबा चल जाता है, वो मियादी बुखार बोलते हैं, ऐसे ही चलता रहता है, टूटता ही नहीं। इसमें सर्वकल्प क्वाथ और ज्वरनाशक क्वाथ दे दें, रेडीमेड में आप यहाँ से फिवोग्रिट और लिवोग्रिट, लीवर की गड़बड़ी मैंने देखा 99% लोगों में होती है, लिवोग्रिट और फिवोग्रिट जबरदस्त हैं वो, आप हिंदुस्तान में किसी से भी कह करके कोरियर से मंगवा लेना, आपकी बेटी अच्छी हो जाएगी, बुखार ठीक हो जाएगा। और थोड़ा पिंडली दबा देना, काफ पर थोड़ा मसाज कर देना, उससे भी जो पाचन तंत्र और पूरा लीवर अच्छा हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने 10-10 साल पुराना बुखार ठीक किया है सर्वकल्प से, चिरायता भी बड़ा अच्छा होता है, इसका भी काढ़ा पिला दे, ये भी बड़ा ठीक अच्छा है स्वामी जी। स्वामी जी अब योग चैलेंज का वक्त हो चुका है, आपने जो चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से वीडियोस स्वामी जी हम तक आए हैं और छोटे बच्चे तो बड़ा कमाल ही कर रहे हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का वैसे भी क्या कहना है, लेकिन बड़ों ने भी बहुत सारे वीडियोज हम तक पहुंचाए हैं। जो बेस्ट वीडियो स्वामी जी है, जो विजेता है आज के, उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। तृप्ति परमार, गुजरात की रहने वाली तृप्ति ने स्वामी जी योग चैलेंज जीता है, ये हैं विजेता, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कमाल है। अब स्वामी जी आप आज का चैलेंज दे दीजिए। अब देखो बच्चे तो कर लेते, अब आज का चैलेंज ये है कि अब ये तो हार्ड वाले आसन हैं, पीछे सामने से सिर, पीछे से पैर उठा करके और इसके लगा ही दिया हमने, ये ऐसे लगा के रखो, कोशिश करो। तो भाई एक बार जोरदार ताले बजा दो भाई जिया के लिए। तो कल का चैलेंज यही है, सब बच्चे इसको इजीली कर लेंगे, सामने से सिर उठाए, पीछे से पैर उठा करके सिर के पीछे लगा दिया, और यदि आगे कंठ के ऊपर लेके आए आखंड भुजंगासन तो और अच्छा है। तो अब आज मेरे पास बच्चे इतना ही कर पाए हैं, तो पूर्ण भुजंगासन या आकंठ भुजंगासन ये कल का चैलेंज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चे अच्छे हैं। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर के जरिए हम तक अपनी वीडियोस पहुंचाएं, और अगर आपने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, सबसे अच्छे तरीके से अभ्यास को किया, तो आप विजेता भी हो सकते हैं और आपको स्वामी जी के जरिए इनाम भी मिलेगा।
स्वामी जी, अब हम जरा दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। कल के कार्यक्रम में खराब फूड क्वालिटी कैसे दे रही 200 बीमारी, हर साल 15 लाख लोगों की जान किस उपाय से बचेगी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर कल सुबह 7:56 पर योगाभ्यास के साथ साथ स्वामी रामदेव से जानिए आहार का क्या है आयुर्वेदिक तरीका। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।